बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर। माओ की गोद उजाड़ने वाला अंजाम को पहुंच गया। लियारी में दहशत, बर्बरियत और खौफ का बाप खत्म हो गया। गफार जिक्री साथी के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया। सब इंस्पेक्टर समेत दो अहलकार जख्मी हो गए, जबकि गोली लगने से 3 साल का बच्चा भी जां बहक हो गया। आपको बताएं कि पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग का सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा। गफ्फार जिक्री 100 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलव्वस था। गफ्फार जिक्री के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 18 आवान बम, 2 क्लैशनकॉफ समेत बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। तो पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई। माओ की गोद उजाड़ने वाला आज अपने अंजाम को पहुंच गया। मुल्हिका इलाकों के अमनो सुकून को तहस नहस करने वाला, दर्जनों मुकदमात पे मुलव्विस लियारी गैंग वॉर का बदनाम जमाना किरदार गफ्फार जिक्री, पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। साथी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। पुलिस मुकाबला लियारी के अली मोहम्मद मोहल्ले में हुआ, जिसमें गैंग वॉर के मुलजमान मारे गए। मुलजमान की लाशें सिविल अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा। पुलिस जराए का कहना है कि हलाक होने वाले मुलजमान में लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार गफ्फार जिक्री के खिलाफ 100 से ज्यादा संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज है। गफ्फार जिक्री लियारी गैंग वॉर के गिरोह के मारे जाने वाले सरबरा अरशद पप्पू का करीबी साथी भी था। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। रेस्क्यू जराए के मुताबिक SI अताउल्ला को कमर में, जबकि कांस्टेबल मीर आबिद को पैर और सीने में गोली लगी। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके को रेंजर्स और पुलिस ने घेरे में ले लिया। इस मुकाबले के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए कराची पुलिस चीफ अमीर शेख का कहना था कि दहशत की अलामत गफ्फार जिक्री को खत्म कर दिया। मुलजिम फोर्सेस पर हमलों समेत 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। गफ्फार जिक्री ने बच्चे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। अमीर शेख ने मुकाबला करने वाली पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। हुसैन कराची से अमूमी तौर पे एक दहशतगर्दी का या दहशत की अलामत जो एक बंदा था गफ्फार जिक्री और उसका साथी मुकाबले में मारे गए हैं। काफ़ी दिनों से रेकी चल रही थी, इन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। कम से कम 100 से ज़्यादा मुकदमात में मतलूब था। रेंजर्स के 2 जवानों को इसने शहीद किया था रिसेंटली और बहुत दफ़ा इसने अटैक किया था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर। तो बच्चा बेचारा जो मासूम था, उसने उसको ह्यूमन शील्ड के तौर पर, अपने ढाल के तौर पर आगे रखा हुआ था। और हमारे 2 जवान, एक सब इंस्पेक्टर सीरियसली जख्मी भी है। अल्लाह उसको, आप उसकी दुआ भी करें। इसके सर की कीमत 25 लाख थी और सह दराज से चल रही थी। मैं अपनी तरफ से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को और उसकी टीम को 5 लाख और IG साहब को 10 लाख के लिए मैंने लिख दिया है कि 10 लाख वो दें। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कराची पुलिस की तरफ से। ये हेड मनी के अलावा होगा।